गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग भी सब सही होंगे। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 o'clock से और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ कुमेरिया। मोहन से 50 मीटर दूरी पे जो ब्रिज टूटा है उसकी क्या अपडेट है वो आपको बताने के लिए, और कुमेरिया मतलब कि दाट डैन रानीखेत रोड, उसमें आजकल क्या एक्टिविटीज़ है और क्या वहाँ की अपडेट है वो सब आपको दिखाने के लिए लेके चल रहा हूँ आपको कुमेरिया। उत्तराखंड में हाई अलर्ट दिया हुआ है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर मौसम पूरा साफ है और हल्की धूप भी है। तो जिस दिन मौसम विभाग हाई अलर्ट दे रहा है उस दिन तो बारिश हो ही नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं। ग्रेट हॉर्नबिल की आवाज़ आ रही है इस तरफ। अभी जो रास्ता बना रखा है वो इस साइड से बना रखा है, बाइक का रास्ता है तो मैं इधर से ही जाऊंगा। स्कूटी जाती है या नहीं जाती है वो बस देखना पड़ेगा। काम काफ़ी फास्ट से चल रहा है, अभी ये टोटली मेटल का बन चुका है। ये देखिए यहाँ से इसका पहले बेस बना और फिर उस तरफ का बेस पहले का था लेकिन एक फिर पीछे एक नई वॉल फिर से बना रखी है। तो जिस तरीके से बाइक लेके जा रहे हैं देखिए, ऐसे ही मैं भी लेके जाऊंगा। हस्ती है क्या होता है देखते हैं, बस ऐसा ना हो कि मैं उस तरफ और बारिश आ जाए ऐसा ना हो। तो बहुत जल्द ये ब्रिज बन के तैयार होने वाला है, आप लोग आ सकते हैं, घूम सकते हैं। नाले के किनारे पे तो पहुंच गया हूँ और सामने कोसी रिवर, और एक स्कूटी तो निकली है ये सामने वाली, तो अगर ये निकली है तो हमारी भी ज़रूर निकलेगी। बस ये है कि थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी। उधर से एक ब्लोरो भी आया, निकल आया हूँ दोस्तों इस तरफ। ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं था, बस थोड़ा ये पानी का लेवल देखना है, अगर पानी में से निकाल दिया तो गाड़ी आराम से निकल रही है। बाकी रास्ता टाइट है, ये कोई स्लिपरी नहीं है। और देखिए जो सामने जो गार्डर लगे हुए हैं, पानी का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि इतने मोटे गार्डर भी मुड़ गए। देखिए ये पुलिया के नीचे ये वॉल बन गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मोहन का 0.0
बहुत टाइम बाद आज इस तरफ पहुँचे हैं, और देखना पड़ेगा, पिछली बार इधर इस ज़मीन पे दरार थी, इस बार ये टुकड़ा भी गया है इसका नीचे, तो थोड़ा दूर दूर रहते हैं। इतना लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ, लेकिन रानी खेत रोड बिल्कुल सुनसान है आजकल। आजकल भोनखाल वाले रास्ते से आवाजाही हो रही है, तो ये रोड बिल्कुल सुनसान है। मोहन फैक्ट्री जो है वहाँ का स्टाफ है यहाँ पे, और कुमेरिया डैम वो क्या चीज़ है, ऑरेंज ऑरेंज। चले जी, सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। ये है मोहन गेट, जिसमें कि हमने सफारी करी थी लेकिन दिखा कुछ नहीं था। ये देखिए, ये ऐसे गाय बैठी है, और कल जो इस वाला एरिया का जो टाइगर है, तो वो कल मोहन के हमारे पाला भाई हैं, उनको स्पॉट हुआ था। चुकम की तरफ से आता है, और यहाँ से केम्बियन के पीछे वाले जंगल से रिवर पार करके सीधा इस तरफ जंगल में, मोहन केमियन। इस तरफ सब खाली पड़ा हुआ है, मोहन गेट यहाँ से फिर इस तरफ को नीचे, ये यहाँ का रास्ता है रिवर पे जाने के लिए, पर सफारी के दौरान, ये नहीं कि कोई भी चला गया सीधा रिवर पे, ऐसा नहीं। आज तो रोड ऐसी लग रही है जैसे कोविड के टाइम पे रोड हो गई थी कॉर्बेट में, सेम वही हाल है, बिल्कुल खाली खाली। इक्का दुक्का बाइक वाले आ रहे हैं बस, क्योंकि कार का तो रास्ता है ही नहीं अभी। ये रात में यहाँ पे वाइल्ड लाइफ काफ़ी एक्टिव रह रही होगी रोडों पे, क्योंकि रात में इधर को कोई गाड़ियाँ तो है नहीं।
फिर इस तरीके से पेड़ों की काउंटिंग होती है, जैसे ये है, फिर इस पेड़ पे है, फिर इस पेड़ पे है, ये अमलतास का पेड़ है, फिर इधर है। तो इसकी नपाई होती है, फीते गोलाई नापते हैं और नापने के बाद फिर इसके काउंटिंग होती है कि इस तरीके के और इतने साइज के पेड़, इतना साल पुराना पेड़ इतने। ये रोड पे जो आप दरार देख रहे हैं, ये रोड भी जाएगी एक दिन, यहाँ से नीचे जाएगी। नीचे रिवर पे मोहान के लोग गए हैं घास काटने के लिए, देखिए। इनके साथ के लोग इस तरफ को हैं। चलिए अब यहीं से वापस हो लेते हैं, फिर वरुण को भी स्कूल से लेके आना है। उनके साथ के लोग ये हैं। अकेले तो आ नहीं सकता कोई यहाँ, कि ग्रुप में लोग चलते हैं तो सेफ रहते हैं। इस साल इस जंगल में भी खूब आग लगी है, मतलब कि 90% ये जंगल पूरा जला हुआ है। और जिस साल जंगल में आग ज़्यादा लगती है, उस साल उस एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है बारिश से, क्योंकि जब घास घूस होता है जंगल में, झाड़ियाँ होती हैं, तो पानी रुक रुक के आता है, जो आसमान से बरसेगा वो रुक रुक के आएगा। लेकिन अभी क्या है कि एकदम 90% पानी पूरा बह जाता है और उसका नतीजा ये होता है। देखिए ये सामने जो एक पेड़, ये पेड़ गिरे हुए हैं देखिए कटाव से, ये पानी एकदम भर के आया होगा और यहाँ से ये सब बह गया। ये दोस्तों हमारे पास आए हैं, इन्हें तो आप जानते ही हैं। क्या हाल है सर? बढ़िया। और देखिए हमारा बर्थडे तो गए हुए कई दिन हो गया, लेकिन आज केक आया हमारे लिए, तो केक की करते हैं अनबॉक्सिंग। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
सर लोग पहले भी काफ़ी हेल्प कर चुके हैं बच्चों के लिए, कपड़े वगैरह और बिस्किट वगैरह पहले भी बांट चुके हैं। तो आज आया है केक। हैप्पी बर्थडे टू मी। ओ वाओ वाओ, यू लाइक इट? यस। वेट वेट वेट, थैंक यू। आओ बैठे अंदर।